ओके बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नागरिकता विधेयक के खिलाफ लगा प्रदर्शन, सीबीआई रेड, मायावती का आश्वासन मत घबराओ अखिलेश। नवोदय विद्यालय में अब देश भर में 51,000 छात्रों का होगा चयन, तो देखते हैं खबरें विस्तार। नई दिल्ली असम के युवाओं और किसानों ने नई दिल्ली और तिनसुकिया में न्यूट प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन नागरिकता 2016 के मद्देनजर हो रहा है। इसके अलावा कांग्रेस भी लोकसभा के बाहर इस मुद्दे को उठाते हुए प्रदर्शन कर रही है। यह प्रदर्शन लोकसभा में इस बिल पर जेपीसी की रिपोर्ट आने के बाद से शुरू हुआ है। किसान समुदाय कृषक मुक्ति संग्राम समिति के सदस्यों ने संसद के बाहर प्रदर्शन किया। इसके साथ ही ये लोग लोकसभा में उठाए गए इस कदम के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आए। प्रदर्शनकारियों को संसद के बाहर सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए गिरफ्तार कर लिया है। नई दिल्ली अवैध खनन मामले में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से संभावित पूछताछ को लेकर राजनीति गर्म हो गई है। बसपा प्रमुख मायावती ने इसे भाजपा का चुनावी हथकंडा बताया है। उन्होंने अखिलेश को कहा कि इससे घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा द्वारा इस तरह की घिनौनी राजनीति और इनका चुनावी षड्यंत्र कोई नई बात नहीं, बल्कि यह उनका पुराना हथकंडा है। इसे देश की जनता अच्छी तरह से समझती है। नई दिल्ली नवोदय विद्यालय आगामी सत्र से देश भर से 51,000 प्रतिभाशाली छात्रों का चयन करेगा। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आगामी सत्र से 5,000 अतिरिक्त सीटों को स्वीकृति दे दी है। नवोदय भारत सरकार का एकमात्र आवासीय विद्यालय है जिसमें देश भर के प्रतिभाशाली छात्रों का चयन होता है। इस साल 2019 और 20 के लिए देश भर से 31,00,000 से ज्यादा छात्र इस प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होंगे। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज प्ले स्टोर से एमएनएस की ऐप डाउनलोड करें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।